ओम शांति। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे बड़ी बात, इस वर्ष हम अपने आप को नया करेंगे। नया कैसे करेंगे? क्या हम पुराने हो गए हैं? नहीं, पुराना हमारी सोच हो गई है। कहते हैं ना, जब सोच में मोच आ जाती है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमें अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी खुशी को बढ़ाना होगा, और खुशी को बढ़ाने के लिए हमें सिस्टमैटिक वे में चलना होगा। अब जैसे क्या होता है, हम अपनी खुशी बढ़ाने के लिए चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो महंगा मोबाइल अगर खरीद लेगा तो उसकी खुशी बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि महंगा और सस्ते मोबाइल से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। सपोज करो कि आपने एक नया मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल की कीमत 50,000 रुपये है, अभी आप उसे देख देख के खुश हो रहे हैं। सपोज करो कि आपका किसी से झगड़ा हो जाए अभी के अभी, तो क्या होगा? उस मोबाइल को देखते ही आप उस गुस्से को, वो जो नफरत है, भूल जाएंगे, सब एकदम बहुत खुश हो जाएंगे? नहीं ना, आपका मूड ऑफ ही रहेगा, उस मोबाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का काम खुशी देना नहीं है, मोबाइल का काम है हमें कंफर्ट देना। उसके माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं लोगों से, वो काम करेगा चाहे आपका मूड ऑफ है या नहीं है, आप खुश हैं या नहीं हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो खुशी क्या है? खुशी है एक इमोशन। हमें अपने मन पे कार्य करना होगा, और मन पे कार्य करने के लिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात सिखाते हैं, वो है स्वयं को मान देना, यानी अपने मन को स्वयं ही मान देना, स्वयं को मान देना। अब देखिए, जब हमारे मन को कोई बाहर से मान देता है, कोई व्यक्ति मान देता है, हमारी प्रशंसा होती है, या हमने कुछ भी किया उसे अवार्ड दिया जाता है, तो हम कितने खुश होते हैं। जब खुश होते हैं तो ये क्या है, हम क्यों खुश हो रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है, हम इसलिए खुश हो रहे हैं, जैसे हमें कुछ मिला, हमारा माइंड ये थॉट क्रिएट करता है, यस मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब मैं सफल हुआ। सफलता का एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। जैसे ही हम सफलता का थॉट क्रिएट करते हैं, मन से एनर्जी निकलती है, ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाते ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड से डोपामाइन निकलता है, और डोपामाइन निकलने के बाद हमारे बॉडी में यानी ब्रेन में एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन, जो कि खुशी का हार्मोन है। अब देखिए, जैसे किसी ने हमारी प्रशंसा की तब भी हम बहुत खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मन को बाहर से सराहा गया, और जैसे सराहा गया, मन ने एक थॉट क्रिएट किया, यस आई एम सक्सेसफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, तो वही हार्मोन निकला। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, बाहर से हमें लोग हमेशा नहीं सराहेंगे। जैसे मानिए, आप दिन भर में अनुभव करते होंगे, अगर आप जॉब करते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं, आप देखेंगे कि 10 में से आज 2 लोग आपको सराहने वाले मिल सकते हैं, लेकिन 8 लोग उसमें कमी निकालने वाले हमें मिलेंगे, फिर हम क्या करें? तो हमारा तो ये स्तर रहेगा ना खुशी का, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या करें कि हमारी खुशी परमानेंट रहे, हमारी खुशी किसी और पर डिपेंड ना करे? तो क्या करें, हमें अपने मन से बात करने की कला सीखनी होगी। हम अपने मन को स्वयं मान दें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे ब्रेन में नेचुरली डोपामाइन का स्तर हाई रहेगा। और डोपामाइन सिंपल वे में समझ लीजिए, डोपामाइन क्या है? डोपामाइन है, जैसे मानो आप सब्जी बनाते हैं घर पे, तो जैसे मानो आपको गाजर की सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आपको रॉ गाजर कैरेट चाहिए, तो वो कच्ची गाजर जब होगी तभी आप सब्जी बना सकते हैं। वैसे ही अगर आपको खुशी का हार्मोन ब्रेन में इनफ चाहिए, तो उससे पहले डोपामाइन होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम अपने मन को मान देते रहेंगे। मतलब हम अपने मन को ये अनुभव कराते रहेंगे कि हे मेरे मन, तुम सक्सेसफुल हो, तुम जो भी है बाहर सब कुछ खोज रहे हो वो तुम्हारे पास है। जैसे हम शांति तलाश रहे हैं, प्रेम तलाश रहे हैं, कुछ भी तलाश रहे हैं, वास्तव में ये सब हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, और ईश्वर शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, और उनके बच्चों में भी यही गुण, ये क्वालिटी सारी हैं। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना होगा, मतलब अपने मन को हमें याद दिलाना होगा कि हे मेरे मन, तुम शांति से भरे हुए हो, तुम प्यार से भरे हुए हो,
तुम बहुत सुखी हो, तुम सफलता मूर्त हो। इनको कहते हैं स्वयमान एफर्मेशन। जैसे हम ये देने शुरू करते हैं, हमारा माइंड इन्हें स्वीकार करने लगता है और तुरंत डोपामाइन बनने लगता है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अपने आप को एफर्मेशन देते हैं, ऑटो सजेशंस देते हैं, तो माइंड उन्हें रिजेक्ट करता रहता है, वो स्वीकार नहीं करता। और जब स्वीकार नहीं करेगा तो होगा क्या, डोपामाइन नहीं बनेगा। तो फिर क्या करें? तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम सोने जाते हैं उस समय पर हमारे माइंड की गति धीमी होने लगती है अपने आप ही नेचुरली। उस समय पर जब हम बेड पे लेट गए हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप बेड पे लेट गए हैं और सोने तक, इस समय को कभी भी हमने वेस्ट नहीं करना है, जाया नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन तो कर लिए, ठीक है, बैठ गए और परमात्मा पिता से बात कर ली, बहुत अच्छा, इससे आपके मन की गति स्लो हो गई है, लेकिन अब उसे तेज होने के लिए मौका मत दीजिए कि हम लेट गए, अब उसे फ्री छोड़ दिया, वो कुछ भी सोच रहा है, ऐसा नहीं करिए। क्या करिए? लेट जाइए, लेट कर अपने मन से बातें शुरू करिए। मैं आपको कुछ एफर्मेशंस देता हूँ, ये एफर्मेशन आपके काम आएंगे। आप रात को सोते सोते धीमे धीमे अपने मन को लोरी की तरह सुनाना और कहना कि हे मेरे मन, तुम ईश्वर के बच्चे हो। अपने मन की तरफ देखना और कहना, हे मेरे मन, तुम गॉडली माइंड हो। अपने माइंड को कोसना नहीं है, हम कोसते रहते हैं, मेरा माइंड मेरी सुनता नहीं है, मेरा मन मेरी मानता नहीं है, मेरा मन तो बंदर है, या जो भी कुछ हम बोलते हैं, ये मन को कोसना है। ठीक, हमने क्या कहना है, मन को बहुत रिस्पेक्टफुल, मतलब बहुत ही सम्मान देते हुए हमने बात करना है। हे मेरे मन, तुम ईश्वर या मन हो। देखो कितनी पावरफुल लाइन है, हे मेरे मन, तुम ईश्वर के बच्चे हो। जो शक्तियां, जो प्रेम ईश्वर में है, वो तुम में है। दूसरा बात बोलना लेटे लेटे, तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए तुम भी अथाह शक्तियों से भरे हुए हो। तुरंत स्वीकार करेगा, क्योंकि आपने लॉजिक दे दिया कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो शक्तियां तुम्हारे पास तो होंगी ही, तो मन स्वीकार करेगा। जैसे आप ये बोले कि तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो, तुम में अथाह शक्तियां हैं, मैं देख रही हूं या देख रहा हूं तुम उन शक्तियों को काम पर लगा रहे हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में जो भी विघ्न समस्याएं हैं, उन शक्तियों से तुम उन्हें भस्म कर रहे हो। देखेंगे कि हमसे ना जैसे शक्तियां निकल रही हैं, जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, वैसे लेटे लेटे देखें कि मुझसे लाइट निकल रही है, और वो विघ्न, वो समस्याएं जो मेरे जीवन में जिन्होंने उथल पुथल मचा के रखी हुई है, देखिएगा कि चारों तरफ ऐसी 5-6 प्रॉब्लम्स या एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम छोटी ब्लैक बॉल के रूप में देख सकते हैं आप, और जैसे ही मुझसे प्रकाश निकलता है, इस ब्लैक बॉल को भस्म करता हुआ जा रहा है। दूसरा स्वामान, मतलब तीसरा, जो अफर्मेशन में बोल रहा हूं, तीसरा हो जाएगा कि मैं संपूर्ण विघ्न विनाशक मूर्त आत्मा हूं। से इसे आप धीरे धीरे रिपीट करिएगा, जैसे मन को हम लोरी दे रहे हो और मन इसे स्वीकार करता जाएगा। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, प्यार से, हे मेरे मन, तुम संपूर्ण विघ्न विनाशक मूर्त हो। आप देखेंगे कि मन एकदम स्वीकार करेगा, बड़ा खुश होगा, और उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप चौथा अफर्मेशन बोलना कि मैं सफलता मूर्त हूं, या हे मेरे मन, तुम सफलता की मूर्ति हो, तुम एक सक्सेसफुल माइंड हो, तुम में ईश्वर की अथाह शक्तियां हैं, तुम सचमुच सक्सेसफुल हो। हो गया चार। पांचवा स्वमान आप लेना कि मैं संतुष्ट मणि हूं, और या हे मेरे मन, तुम बहुत संतुष्ट हो, मैं देख रहा हूं तुम धीरे धीरे गहरी नींद में उतर रहे हो। ऐसे बात करना, धीरे धीरे गहरी नींद में जा रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम इस शरीर को अंदर से पूरी तरह स्वस्थ रखते हो। फिर कहना धीरे धीरे, मेरा अंग अंग एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी इज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप देखेंगे कि मैजिकल चेंजेस आपको मिलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, परफेक्ट
तो हम देखेंगे कि हमारा माइंड हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को सारी रात स्वस्थ करने में लगा हुआ है। ठीक, आप आगे कह सकते हैं और इसे विस्तार में लेके जा सकते हैं कि मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर है, उनमें अथाह प्रेम भरा हुआ है। विशेषकर उस व्यक्ति को सामने ले आना जिससे थोड़ी सी हल्की फुल्की खुचपिट सी रहती है, कह देना, हे मेरे मन, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये बहुत प्यारी आत्मा है, ये बहुत अच्छा है, एक दो लाइन कह दो। क्योंकि उस वक्त ना इनकार करेगा, सबकॉन्शियस में उतर जाएगा, तब कहिएगा, देखेंगे कि ये माइंड उस आत्मा के माइंड को प्यार भरी एनर्जी देगा, बहुत प्यार भरी एनर्जी देगा, और इससे क्या होगा, उससे आपका रिश्ता वाकई बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इससे पता है क्या होगा, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमारे ब्रेन से रात्रि को एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये नींद का हार्मोन होता है। रात्रि को सो रहे हैं, मेलाटोनिन रिलीज हुआ जो 9 से 11 के बीच में अधिकतर समय पे रिलीज होता है, निकला, बहुत पूरी बॉडी को रिलैक्स करता चला जाता है, बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा करिएगा, और जब ये बन रहा है तो सीरोटोनिन तो बनेगा ही, मतलब खुशी का हार्मोन तो बनना ही बनना है फिर, और खुशी का पारा हमेशा हाई रहेगा। इस वर्ष ये काम हमने पक्का करना है, स्वमान की प्रैक्टिस को खूब बढ़ाइए, बॉडी में अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स बनाइए। कहते हैं ना, इसे डोज की जरूरत है, डोज कहते हैं ना, डोज, डी माना डोपामाइन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन, ई माना एंडोर्फिन, डोज की फुल फॉर्म होती है। और ये सारे हॉर्मोन हमारे ब्रेन में बनते हैं, और इन सब का आधार है केवल और केवल स्वमान। पूरा तो एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डोपामाइन को एक्सप्लेन किया है, आगे ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि स्वमान से कैसे ये बॉडी में बन रहा है और कैसे ये मैजिकल चेंजेस हमारे जीवन में लाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, खुश रहिए, नाचते रहिए और स्वमान की प्रैक्टिस करते रहिए। ओम शांति।